चलो गाइस वेलकम बैक टू चैनल सेवन देवी थक गेमर। तो गाइस आज मैंने बनाया एक घर, तो आप देखिए आपको पहले मैं 360 व्यू बना देख देता हूँ। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने एक हट बनाई थी। हाँ जी, तो गाइस क्या कहते हैं, मुझे एक अच्छा लगा था, मेरे को मुझे एक आइडिया वाला आइडिया अच्छा लगा था कि हट बनाना अच्छा लगे, तो लास्ट वीडियो मैंने हट बनाई थी। और गाइस बाय द वे ये मैंने इतना प्यारा सा गार्डन बनाया, सनफ्लावर है, ये पता नहीं ऑरेंज के पता नहीं क्या लगाए थे मैंने, और ये थोड़ी बैल्कनी है। तो गाइस अब आपको दिखाई देता हूँ मैं कि ये ना ये मेन एंट्री है। हाँ, तो गाइस मैंने अपने घर का नाम रखा आरव जोन, मेरा नाम आरव है। तो गाइस आप जैसे आपने आपने देखा कि मैंने 360 व्यू दे दिया घर का। तो गाइस आपको दिखा देता हूँ, ये है घर का मेन। तो गाइस आप देख ही सकते हैं मैंने बुक शेल्स लगाई हैं, जिसको पढ़ने का शौक है बुक्स तो क्या कहते हैं यहाँ से ले के पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने दो फर्नेस लगाए हैं, उसके ऊपर प्रेशर प्लेट लगा दी, अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने एक इंचैंटमेंट टेबल बनाई है। इंचैंटमेंट करनी तो आती नहीं, लेकिन भाई चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी करेंगे हम, आती नहीं बस। ये तो गाइस मैंने ऐसे बना लिया, गाइस आपको दिखा दूँ, ये टेबल है, इसमें अपने ऐसे कोई अपने फैमिली मेम्बर है तो अपना खा सकते हैं, या बेड है, या मैंने थोड़ी डेकोरेशन के लिए शेल्फ लगा दी, और इधर मैंने एक लैंप लगाया। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने चेयर वो करी है, तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे ना क्या कहते हैं, एक मैंने सामने जैसे मैंने बताया था इधर था मैं, इधर मैंने एक बैलकनी बनाई है। आप देख ही सकते हैं कि ये यहाँ पे, और मैंने थोड़ी टेबल्स लगाई जिसको बाहर बैठ के खाना खाओ, यहाँ पे एक और टेबल लगाई है, क्या कहते हैं भाई, एज यू कैन सी गाइस आई हैव मेड दिस लाइक छज्जा इन हिंदी, इन हिंदी यू कैन से छज्जा। तो गाइस एज यू कैन सी दिस इज माय होम। तो गाइस हमने ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। आप बोलोगे तो यार क्या कहते हैं, बस हल्का सा तो ऊपर, इसको तो फर्स्ट क्यों कह रहा है, क्या कहते हैं। अब गाइस आपको दिखा दूँ ये, अब नीचे जाओ और इसके नीचे कुछ नहीं है, ये एक सीक्रेट डोर है जो मैं अभी नहीं बताने वाला, 100 सब्स में मैं खोलूंगा ये डोर, और आपको भी पता नहीं इसमें क्या है, और पता चलेगा भी नहीं, तब 100 सब्सक्राइबर दूंगा तब हमको मतलब मैं आपको ये सीक्रेट बता दूंगा इसमें क्या है। तो गाइस आप देख ही सकते हैं मैंने दो चेस्ट लगाई है, यहाँ पे और चेस्ट लगाए, स्टोरेज एरिया है आई थिंक गाइस, मैं जो कहने वाला था स्टोरेज एरिया है। तो गाइस आप देख ही सकते हैं मैंने आपको ये तो दिखा दिया, अब आपको इसका एक और 360 टूर वीडियो दे देता हूँ, वीडियो क्या मतलब वही दे देता हूँ। हाँ, तो गाइस क्या कहते हैं, मैंने आपको इसका 360 व्यू दे ही दिया है। तो गाइस हमने क्लियर कर दिया है ये वाला फ्लोर, और हमने अभी ये क्लियर नहीं करा है, हमने ये भी क्लियर कर चुके हैं। तो गाइस क्या कहते हैं, आप देख ही सकते हैं मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया, ये मेरा घर है ऐसा दिखता है। तो गाइस क्या कहते हैं, अब मैं राइट क्लिक करके ये बंद कर देता हूँ। हाँ, तो गाइस आपको बता दूँ मैं हल्का फुल्का, अभी टॉप फ्लोर पर चलते नहीं हम, अभी हम चलते नहीं हैं, अभी आपको मैं हल्का फुल्का अपने घर के बारे में बता दूँ कैसा है मेरा घर, मैंने कैसे बनाया गाइस। तो गाइस मैंने ना इसके एक यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा था इसे ऐसे घर का, लेकिन गाइस वो ऐसा सेम ऊपर से सेम नहीं दिखने में, लेकिन क्या कहते हैं मैंने हल्की सी मॉडिफिकेशन अपने खुद से करी, ये ग्रास लगाना ये सब मैंने खुद करा है। तो गाइस आप देख ही सकते हैं यहाँ पे गाइस मैं ना मतलब मैंने करा किया यहाँ सीढ़ी बनाई ऊपर करा, और क्या कहते हैं यहाँ मैंने यहाँ पे वो लगाया, मैंने क्या कहते हैं स्लैब्स लगाई, आप देख ही सकते हैं स्लैब्स लगाई है मैंने। तो मैंने उसके ऊपर रेड कारपेट बिछा ली, क्योंकि आपको पता है रेड कारपेट काफ़ी अच्छा लगता है उससे, वाइट कारपेट से ऊपर मैंने कुछ और लगाया है। गाइस ये पहले सीधा था, मैंने इसे ऊपर करा, क्योंकि भाई क्या कहते हैं आते हैं तो सर टकरा जाते जो भी कह सकते हैं गाइस आप, यार खराब हो जाएगा सर दिमाग, बुद्धि खराब हो जाएगी बुद्धि। ओ गाइस मैंने क्या, चलो इसको बहरा देते कोई बात नहीं गाइस, ये अब देख लो भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, इंचैंटमेंट को गाइस लगा ही देता हूँ यार, अच्छी नहीं लग रही, बेकार लगता है यार, तब तो टूट जाता घर में, मैं से बनाया टूट गया घर, लगा ही देते हैं कोई बात नहीं गाइस। और हम ऐसा करते हैं इसे जरा एक बार फेंक के आते हैं गाइस, ऐसे यहीं फेंक देते हैं। हाँ, तो गाइस वो सॉरी मैंने फेंका टूट गया। तो अब मैं आपको लेकर जाता हूँ टॉप फ्लोर पर, कैब रेडी हो गाइस टॉप फ्लोर पर जाने के लिए, इन 3 2 1 गो गाइस आपको दिखाई देता हूँ कैसा है। डडा गाइस ये तो मेरे को बेस्ट जगह लगी अपने घर की, आपको मैंने जैसे बताया था मेरी सिस्टर भी है, तो क्या कहते हैं गाइस मैं अगर हम इस वर्ल्ड में खेले, वैसे है तो नहीं गाइस मैं स्क्वैड वर्ल्ड बनाया कुछ भी नहीं है, हाँ स्लाइम शीप ये सब बेकार है। तो गाइस क्या कहते हैं इसमें तो हम खेल नहीं पाएंगे, लेकिन कभी हम बाद में तब हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हों, क्या कहते हैं हम तब क्या कह सकते हैं गाइस वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं मैं अपनी सिस्टर अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ जो मेरे भैया हैं सिस्टर्स हैं इनके जो गेमिंग करते हैं क्या बना सकता हूँ। अब तो गाइस आप देख ही सकते हैं हमारे ऐसे चेस्ट लगा है डेकोरेशन के लिए, गाइस ये देखो गाइस 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 क्या कहते हैं
हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, मैंने एक बेड लगाया ताकि कोई आए सो सके। और लेकिन क्या कहते हैं गाइस, अगर आप अगर कोई आया, मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, ना कॉफिन टेबल लगाई है, ना कुछ लगाया है, ना फर्नेस लगाया है, ना बस मैंने चेस्ट लगी क्योंकि कॉमन से अच्छी सी लुक दे दी थी। हाँ जी गाइस, पहले ये था ऐसे, ये थे पहले इधर ऐसे। तो गाइस अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ये करें क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं ये लगा दिया है, पॉट के अंदर एक फ्लावर लगा दिया, अच्छा लगता है भाई फ्लावर, बड़ा प्यारा सा लगता है। और गाइस ये रूफ का, जैसे रूफ होता है एटिक होता है, एटिक एटिक अगर समझ सकते हो एटिक किसको कह रहा हूँ मैं, ये एटिक होता है घर का, इंडिया में तो नहीं होता लेकिन बाहर वाले घर में तो होता ही है ये सब, तो यार सब वहाँ तो ये सब यूज़ होता है, एटिक्स बनाते हैं लोग, ये ऐसा सा घर ही होता है उनका। लेकिन माइनक्राफ्ट में तो यार पता है आपको कैसा घर बनाओ, कैसे रह हो रहा है, रहो बस जीतो अपना एंडर ड्रैगन, इधर को ये होता है। कम से कम गाइस ये है मेरी 3 घंटे की मेहनत, 3 घंटे में जाके घर बना है, 12 बजे बैठा, 3 बजे घर खत्म हुआ मेरा बनना। और क्या कहते हैं, और भी मैंने 2-3 चीज़ें बनाई हैं, इसमें 3 घंटे लग गए, ये तो क्या कहते 2 घंटे में कंप्लीट होगा था, 1 घंटा मैंने अपना वही जो होता है यार रिलैक्स करते हैं, वो गेम खेलने के बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, वो क्या कहते हैं वो करूँगी। तो वैसे मैं बता दूँ, मैं तो बता दूँ टॉर्चेस लगाई है यहाँ पे, तो ऊपर व्हाइट कारपेट, इधर रेड कारपेट, कुछ नहीं क्या कहते हैं, मैंने वो बनाया है। हाँ जी गाइस, अभी तो मैं पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता कौन सा माउस है, ये है लॉजीटेक, हाँ जी लॉजीटेक है ना, हाँ लॉजीटेक B170 गाइस, अभी मैं खेल रहा हूँ लॉजीटेक B170 से। अगर आपको नहीं पता क्या है तो गाइस सबको इतना पता ही होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, ये माउस है आप बस सर्च कर लेना गूगल पे, मेरा है ब्लैक वर्जन, कोई ग्रे कलर का भी आता है, मैं मुझे तो किसी ने सजेस्ट करा था कि गेमिंग के लिए बेस्ट माउस है ये ले लो, गेमिंग के लिए तो नहीं, मेरे को नॉर्मल, मैंने बोला था नॉर्मल गेमिंग के लिए माउस चाहिए, तो मैं मेरे को ये सजेस्ट करा था, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं ये माउस है, क्या कह रहा यार, घर देखे घर कहते हैं यार क्या है यार। तो भाई आपको पता ही था, आपको पता ही है कि क्या कहते हैं कि ये मेरी आपने कितनी मैंने कितना अच्छा घर बनाया है। तो भाई ये थी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।